अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो पिछली वीडियो बहुत अच्छा आपका रिस्पांस रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा आपको एक नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी किस्म की देते हैं, जिसमें हम लोग के पास दो वास है जो कि नॉर्मली आमतौर पर हर घर में मिल जाते हैं। और ये कुछ ब्लैक स्टोन है, ये सम व्हाइट पेबल्स हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं छोटे, जो कि छोटे छोटे पौधों वगैरह किसी चीज़ से आप ले सकते हैं। और ये जो है ना, इसकी खास बात यह है कि आप किसी भी वेस्ट मटीरियल से ले सकते हैं, आपके घर में भी नॉर्मली मिल जाएंगे। तो आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी खास बात यह है कि ये आपको एक गार्डन की लुक देगा, नेचर की फील देगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया ये ब्लैक है, ये आपको किसी भी किस्म की बिल्डिंग मटेरियल शॉप से मिल जाएंगे, इतने ना ही एक्सपेंसिव और हैं भी छोटे से। और ये जो आपको घर में नॉर्मली मिल जाएंगे, और ये भी होते हैं, ये नहीं है तो बाजार से आप ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये थोड़े गंदे होते हैं, इसकी वजह से इसको पहले धो लेते हैं। और इसी के अंदर ही हम थोड़ा सा ये प्लांट्स अपने डाल लेंगे, क्योंकि ये डस्ट वगैरह की वजह से, ताकि हमारे अच्छे रहे। इसके जब तक इतना होने, ये इसको थोड़ी देर रख देते हैं, इतना ये जो हमारी मेन है इसके अंदर इस तरह हवा बनाते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे। ये थोड़ा सा कुछ इसके अंदर डालेंगे हम, जैसे कि अभी व्हाइट वाले पेबल्स डाल लिए, अभी साफ हो चुके हैं, इनको निकाल लेंगे व्हाइट ग्रीन वाले को, इनका बाद में काम है, पहले इसके बाद अब हम लेंगे ब्लैक। इसको धोने की रीजन यह कि बिल्डिंग मटीरियल से जब आप ले जाएंगे, उसके ऊपर काफी गंदगी या ऐसे कुछ लगा इसको अच्छा। इसकी एक और बात यह है कि इसको आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना, वरना पानी इसके अंदर रह गया तो ये व्हाइट स्टोन नीचे से गीले रहेंगे, और वो क्योंकि इसको आपने कौन सा रोज निकालना करना, अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेंगे, वरना पानी नीचे अंदर रह गया तो अंदर गिलासों में ग्लास के नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये स्मेल भी आ सकती है इसके अंदर से, तो ये इसके अंदर रहेगी जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो। अब ये लास्ट वन टू रह गया, इसको जल्दी से कर लेंगे। अब ये तो हो गया, अब इसी तरह इनको भी खुश कर लेंगे। अब जिस तरह इसको थोड़ी देर के लिए खुश बन देंगे, उसके बाद इसको रख देंगे। अब ये इस तरह के खुश हो चुके हैं, अब इसको इसके अंदर रख देंगे आराम से, इसको आराम से रख देंगे, क्योंकि ये शीशे का ये जब तक टूट भी सकेंगे, ये काफी हार्ड किस्म के बस है। इसके अंदर एक और बात का खास ख्याल रखना है कि इसके अंदर ना स्लोप टाइप नहीं है, तो उसे एक पहाड़ टाइप इस तरह लुक आएगी, जिससे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बारे में आपको रख दिया, तो बिल्कुल इसको आपने फिल नहीं कर देना ऊपर तक, थोड़े से स्पेस से रखे नहीं, ताकि थोड़ा बाहर भी ना गिरे, एक तो बचाइए और अगर बच्चे वगैरह भी ना इसको ताकि छेड़े, तो ये तो हो गया। अब इसके अंदर रखते हैं ये वाला, अब अच्छा अब ये आगे, अब ये सही लग रहा है इस तरह। अब इसको थोड़ा थोड़ा इस तरह बचिए, थोड़ा नॉर्मली इसके अंदर भी इस तरह ही, ये इस तरह थोड़े से थोड़े नीचे, इसके अंदर भी इसी तरह थोड़े से ये साइड पे रखे इस तरह, इसके अंदर भी इस तरह, इसके अंदर इस तरह, ये वाला कुछ ऊपर जो प्लांट होगी इसके लीव कर देंगे, ये वाला भी इस तरह,
इसको कर दिया। जैसा कि आपने देखा ये अब तैयार हो चुका है, ये कितना ही औसम किस्म का लग रहा है। और ये हमने सिर्फ हाउस में ऐसे बनाया, आप इस तरह के घर में बना सकते हैं और अपने होम को डेकोर कर सकते हैं इस तरह की। इंशाल्लाह चैनल पर म्यूजिक मजे मजे की वीडियो लाती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।